जब दिल पर हथौड़ा पड़ता है यानी दिल टूट जाता है तो लोग शायर बनता है, पागलों की तरह खाक छानता है या फिर आत्महत्या कर लेता है। पर वीर पुरुष वो होता है जो दिल पर चले हथौड़े को असल में हथौड़ा चलाकर एक नए रास्ता का निर्माण कर डालता है। हम बात कर रहे हैं दशरथ माँ जी का। बिहार के गया जिले के वजीरगंज प्रखंड के गहलोर गाँव में जन्मे दशरथ माँ जी अपने दिल टूटने पर ऐसा ही कुछ किया। उन्होंने 22 वर्ष के अथक प्रयास के बाद पहाड़ को काट कर रास्ता बना डाला। इस रास्ते को आज प्रेम पथ या दशरथ मांझी पथ के नाम से जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एबीएन लाइव, मैं हूं मनोज कुमार। दोस्तों, दशरथ मांझी की अजीब दास्तान को जानने से पहले एक छोटा सा अपील है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा लें। दोस्तों, आज के अंक में बात करेंगे दशरथ मांझी की। आइए जान लेते हैं दशरथ मांझी कौन था। दशरथ मांझी का जन्म 14 जनवरी 1929 में गहलोर गांव में हुआ। उनका बचपन गरीबी में बीता। मांझी एक मजदूर थे पर आत्मविश्वास से धनी। केवल एक हथौड़ा और छेनी लेकर उन्होंने अकेले ही 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काटकर एक सड़क बना डाला। इस सड़क के होने से वजीरगंज ब्लॉक की दूरी 55 किलोमीटर से घटकर 15 किलोमीटर ही रह गया है। कहा जाता है कि लोग अपने प्यार को खोकर क्या कुछ नहीं करता है, यहाँ तक कि आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन दशरथ मांझी ने अपने प्यार को खोने के बाद अपने अदम्य साहस और धैर्य के बदौलत 22 वर्षों के पहाड़ को काटकर एक पथ का निर्माण कर डाला। गहलोर घाटी में आज सड़क के साथ साथ बिजली भी पहुंच गया है। 4 दशक पूर्व यहाँ जंगल और पहाड़ ही पहाड़ था। बताया जाता है कि दशरथ मांझी का बाल विवाह हुआ था जब गांव के बड़े व्यक्ति के यहाँ हल चलाते थे और उसी से उनका परिवार चलता था। बड़े होने पर गौना या शादी हो गया। दशरथ मांझी के पत्नी फुगनिया घर आ गई। फुगनिया हर दिन पहाड़ पर चढ़कर दशरथ मांझी को खाना पहुंचाने का काम किया करती थी। एक रोज फुगनिया खाना लेकर पहाड़ पर चढ़ रही थी, अचानक उसके पैर फिसला और फिसलते फिसलते नीचे आ गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गई। कुछ दिन के बाद दवाइयों और इलाज नहीं होने से उनकी मौत हो गई। पागल कहते थे लोग। पत्नी के मौत के बाद दशरथ मांझी काफी दिनों तक काम पर नहीं गया। वो विचार में फंस गया कि आज अगर रास्ता होता तो शायद मेरी पत्नी जिंदा रहती। उन्होंने अपने पत्नी के प्यार में हमेशा खोया रहता, घर में ही खुद को बंद कर सोच विचार में डूबा रहता था। फिर एक दिन उनके मन में एक विचार आया, क्यों न पहाड़ को काटकर एक रास्ता का निर्माण कर दिया जाए ताकि फिर कोई इस तरह के हादसे में आकर अपनी जान न गवा बैठे। फिर क्या था, मांझी ने एक पहाड़ को काटना शुरू कर दिया। लोग उसे पागल कहने लगे पर मांझी अपने इरादों से टस से मस नहीं हुआ। 22 सालों तक कड़ी मेहनत और लगन से पहाड़ को काट कर रास्ता बना डाला। पर्वत पुरुष दशरथ मांझी की कारनामों में एक और कार्य उन्हें दूसरे प्रेमी से भिन्न करती है और वो ये कि मांझी ने बिहार के एक नेता राम सुंदर दास से मिला और पीएम से मिलने की इच्छा जताई। और फिर पीएम से मिलने के लिए दशरथ मांझी ने एक नया कीर्तिमान बनाया। उन्होंने रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे 2 महीने में दिल्ली पैदल पहुंच गया। उन्होंने वहां जाकर ये संदेश दिया कि रास्ता हमने तो बना दिया है, अब इसे पक्कीकरण के साथ साथ बिजली की व्यवस्था आसपास के गांव में किया जाए। ये बात 1972 की है। रुकावटें। इस कार्य में मांझी को कई अड़चने भी आई। यह एक सुरक्षित पहाड़ में से आता था। भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के अनुसार इस पहाड़ को काटना अपराध के श्रेणी में आता है। ऐसे में मांझी पर आपराधिक कृत्य के लिए सजा की चर्चा भी होने लगी। ऊपर से कटे पत्थर को बेचने का आरोप भी मांझी को झेलना पड़ा। लेकिन सरकार ने इस नेक कृत्य के लिए मांझी को सराहा। खुद मांझी ने कहा कि पहले लोग मुझ पर ताने कसे, लेकिन उनमें से कुछ ने मुझे खाना देकर और औजार देकर मदद भी किया। नीतीश ने दिया सम्मान। पहली बार सीएम पद संभालते ही नीतीश ने दशरथ मांझी को अपने कुर्सी पर बिठाकर सम्मान दिया और दशरथ मांझी हालचाल को जाना। नीतीश कुमार ने मांझी के विचार को गंभीरता से लिया। मौत। 73 वर्ष की अवस्था में मांझी की मौत कैंसर से हो गया। उनका निधन एम्स में इलाज के दौरान 17 अगस्त 2007 में हो गया था। बाद में सीएम नीतीश ने अपने प्रयास से मांझी के नाम पर गहलोर गांव में समाधि स्थल, अस्पताल, सड़क का निर्माण करवाया। बिहार सरकार ने सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2006 में पद्मश्री हेतु नाम का प्रस्ताव भी किया। प्रेम के कहानी पर बनी फिल्म। दशरथ मांझी की सच्ची प्रेम कहानी पर 2015 में फिल्म डायरेक्टर केतन मेहता ने मांझी द माउंटेन मैन के नाम से लव स्टोरी फिल्म बनाई। इस फिल्म में अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी है और फाल्गुनी देवी की भूमिका में राधिका आप्टे ने बखूबी चित्र
चित्रण किया। माझी के कामों को एक कन्नड़ फिल्म ओल्वे मंदार में जयतीर्थ द्वारा दिखाया गया है। मार्च 2014 में प्रसारित टीवी शो सतमेव जयते के सीजन 2 जिसकी मेजबानी आमिर खान ने की का पहला एपिसोड दशरथ माझी को समर्पित किया गया। आमिर खान ने दशरथ माझी के बेटे भागीरथ माझी से मुलाकात कर घरेलू समस्याओं से निजात दिलाने का भरोसा दिया। हालांकि बाद में भागीरथ माझी की पत्नी बसंत देवी की मौत पैसे के अभाव में इलाज नहीं हो पाया और उसकी मौत हो गई। माउंटेन मैन के नाम को सलामी देने के लिए गहलोत घाटी आते रहते हैं कई लोग। दोस्तों आपको यह अंक कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।